तो इधर बलिया में बीजेपी के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री अनंत स्वरूप शुक्ला का अखिलेश यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कभी भी अयोध्या के राम मंदिर में एक रुपए का बताशा लेकर नहीं गए, लेकिन अजमेर शरीफ जाएंगे, चरारे शरीफ जाएंगे और चादर भी भेजेंगे, तो चादर चढ़ाया जाएगा। बता दें कि यह पलटवार पूर्व मंत्री ने अखिलेश पर उस सवाल पर किया जिसमें अखिलेश ने कहा था कि जब भगवान बुलाएंगे तब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। आज यहाँ पे किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या कहेंगे आप? आज बेलहरी विकास खंड के भरसौता ग्राम पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के पवित्र भावना के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा आई हुई है। इस गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं उन सभी योजनाओं के जो भी पात्र लाभार्थी हैं सभी को उन योजनाओं से आच्छादित कर दिया गया है। सभी ने समवेत रूप से मोदी जी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की है। हमारे इस गांव के सम्माननीय प्रधान आदरणीय मनीष कुमार सिंह जी ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधान, अनेक जनप्रतिनिधिगण और केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ अपने पूरी योजनाओं के साथ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और इस कार्यक्रम से लोगों को क्या लाभ होगा? इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि माननीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो भी अनुरोध किया कि यथाशीघ्र इस मामले का निपटारा किया जाए। हमारे जो महाधिवक्ता थे उन्होंने अनुरोध किया, कांग्रेस की ओर से 100-100 वकील खड़े किए जा रहे थे कोर्ट में कि इस मामले को लटका के रखा जाए, मामले को हमेशा लटका के रखा जाए। कांग्रेस पूरी तरीके से राम विरोधी पार्टी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1947 में देश के प्रधानमंत्री बने, सोमनाथ का मंदिर जिसको मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ डाला था उस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करा के भव्य दिव्य मंदिर बनाया था सरदार पटेल जी ने, और उसके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लेकर के गए थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका बहुत विरोध किया था। और आज इतनी निचता पर ये लोग उतर गए हैं, कह रहे हैं कि मंदिर पूरा बना नहीं है। अरे मूर्खों को जानना चाहिए, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि शुभ काम में कभी विलम्ब नहीं किया जाता है। मंदिर में केवल अगर गर्भगृह बन जाए, हमारे देश में दुनिया में लाखों ऐसे मंदिर हैं जहां पर पहले मंदिर मूर्तियां प्रकट हुई, पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद मंदिर बनता रहा। दुनिया में अनेकों ऐसे मंदिर हैं, हमारे यहां भी हैं, कि हम उनका गर्भगृह बना के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके वर्षों तक दशकों तक मंदिर के भव्यता दिव्यता का काम चलता रहता है। आज रामलला को ये लोग नहीं चाहते हैं, पहले भी ये लोग चाहते थे कि रामलला टेंट में रहें, आज भी ये लोग चाहते हैं कि रामलला उस दिव्य मंदिर में विराजमान न हो।